माइनक्राफ्ट एक एक्शन एडवेंचर गेम जिसे 2009 में रिलीज किया गया था और ज्यादातर गेम्स की तरह ही इसकी मेन टारगेट ऑडियंस भी 13 से लेकर 18 साल के बच्चे थे। लेकिन इसमें कुछ थ्योरीज और मिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो कि पूरी गेम को बहुत ही ज्यादा क्रीपी कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही थ्योरीज और मिस्ट्रीज डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा माइनक्राफ्ट देखने का पूरा नजरिया चेंज कर देंगी। लेकिन उससे पहले हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के दिन हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाले थे पर हमें पता ही नहीं चला कि दिवाली कब आ गई। हेलोवीन के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि क्रिसमस के टाइम ऐसा कुछ ना हो, पर अभी के लिए तुम इसे ही स्पेशल वीडियो मान लेना। इस वीडियो में भी हमने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीजें रखी हैं। और इस दिवाली पटाखों को मत जलाना क्योंकि पटाखे चलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इसकी जगह तुम लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा के देख सकते हो, इससे भी पटाखे जलते हैं। अगर तुम्हें ये फेक लग रहा है तो तो अगर तुम कभी नेदर में गए हो तो तुम्हें इस ब्लॉक के बारे में जरूर पता होगा, सोल सैंड। एक ऐसा ब्लॉक जो कि सिर्फ नेदर में मिलता है, और अगर तुम इस ब्लॉक के ऊपर चलने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाओगे, ऑलमोस्ट लाइक क्विक सैंड और मड। लेकिन काफी लोगों को ये सिर्फ एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट ब्लॉक की तरह लगता होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से इस ब्लॉक को देखोगे तो तुम्हें इसके ऊपर कुछ फेसेस दिखाई देंगे जो कि चीखती हुई सोल्स की तरह दिखते हैं, विच इज रियली क्रीपी। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली काफी सालों पहले माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक रेस हुआ करती थी जो कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर स्टीव की तरह दिखती थी, लेकिन किसी चीज की वजह से उस रेस के कुछ लोग नेदर में ही फंस गए और उनकी सोल्स नेदर में प्रेजेंट एक ब्लॉक में ट्रैप हो गई जिसे आज हम सोल सैंड के नाम से जानते हैं। तो जब भी प्लेयर सोल सैंड के ऊपर चलने की कोशिश करता है उस सैंड में प्रेजेंट सोल उसे स्लो कर देती है जिससे कि प्लेयर की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। विलेजर्स माइनक्राफ्ट के पैसिव मॉब्स में से एक हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। पर क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये बेवकूफ दिखने वाले मॉब्स एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इविल है। जैसे कि हमने अपनी पिछली थ्योरी में बताया था कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में स्टीव की तरह दिखने वाली एक और रेस हुआ करती थी जो कि किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो एक थ्योरी के मुताबिक बिल्डर रेस खुद खत्म नहीं हुई थी बल्कि उन्हें विलेजर्स खा गए थे। बिल्डर्स यप, आई नो कि ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर तुमने खुद नोटिस किया होगा तो विलेजर्स ट्रेड में रॉटन फ्लैश भी लेते हैं, और तुम खुद ही सोचो कि रॉटन फ्लैश का क्या काम हो सकता है। और पूरे ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंट स्केलेटन इस चीज का सबूत है, और हम यानी स्टीव भी उसी रेस के आखिरी सर्वाइवर हैं, लेकिन किसी तरीके से हम सब कुछ भूल चुके हैं और ये अज्यूम कर चुके हैं कि विलेजर्स अच्छे हैं। हर रात वो तुम्हें सोते हुए देखते हैं और तुम्हें मारने का प्लान बनाते हैं। सिर्फ एक वर्ड के साथ वो आयरन गोलम को स्पॉन कर सकते हैं और तुम्हें खत्म कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। लेकिन वो इंतजार करते हैं। आखिरकार तुम उन्हें पिलेजर से बचाते हो, उनके लिए इतने सारे ओर्स आइटम्स और फूड सप्लाईज लाते हो, और वो भी सिर्फ एक यूजलेस आइटम के लिए, और वो है एमरल्ड्स। एक ऐसी आइटम जिसका डेकोरेशन के अलावा और कोई भी काम नहीं है, लेकिन क्योंकि एमरल्ड्स का नेचुरली मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो उन्हें कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका बचता है और वो है विलेजर्स से ट्रेडिंग। और इसी का फायदा उठाते हैं भगवान, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो हमारा यूज करते हैं। बट इट्स जस्ट अ थ्योरी, इसे सच मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज विलेजर्स को मत मारना। अगर तुम में से कोई माइनक्राफ्ट के विलेन के बारे में पूछेगा तो तुम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एंडर ड्रैगन और तभी तक, बट एक्चुअली इट्स अस। जी हाँ, तुमने सही सुना, हम माइनक्राफ्ट के असली एंटेगनिस्ट हैं। आई मीन तुम खुद सोचो, जब भी तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो तुम किसी भी जगह को अपना क्लेम कर लेते हो। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी विलेज मिलता है तुम उस पर अटैक कर देते हो और वहां पर रहने वाले विलेजर्स का सामान छीन लेते हो, उनका घर डिस्ट्रॉय कर देते हो और उन्हें अपना स्लेव बना देते हो, और जो भी बेजुबान जानवर तुम्हें दिखते हैं तुम उन्हें खाने के लिए मार देते हो, ये रियलाइज किए बिना कि हम ही असली विलेन हैं।